कि हर सब्जेक्ट में फुल पास होना है, हर खजाने की सब्जेक्ट। तो देखो, बजट करो, बजट बनाओ, अर्थात व्यस्त मत करो। हर सेकंड संकल्प व स्वयं के प्रति शक्तिशाली बनाने अर्थ व सर्व आत्माओं की सेवा अर्थ कार्य में लगाओ। दूसरी बात, वेट कम करो। एक तो पिछले जन्मों का रहा हुआ हिसाब किताब व बोझ समाप्त करने में लगे हो, लेकिन वह बोझ कोई बड़ी बात नहीं है। ब्राह्मण बन करके व ब्रह्मा कुमार कुमारी कहला करके, विश्व कल्याणकारी व विश्व सेवाधारी कहला करके, फिर भी अगर ऐसा कोई विकल्प व विकर्म करते हैं तो बोझ हो तो बोझ से 100 गुना बढ़ जाता है। ऐसे कितने प्रकार के बोझ अपने संस्कारों के बस, स्वभाव के बस, ज्ञान का बुद्धि में अभिमान होने के कारण, अभिमान के बस, नाम और शान के स्वार्थ बस, स्वयं के सेलिब्रेशन प्राप्त करने के बस, अलवेलेपन व आलस्य के बस, अब तक कितने बोझ उठाए हुए। सदैव ये ध्यान पर रखना है कि ज्ञानी तू आत्मा कहलाते अथवा सर्विसेबल कहलाते, ऐसा कोई कर्म वातावरण फैलाने के वाइब्रेशन होने के निमित्त न बने जिससे सर्विस के बजाय डिससर्विस हो जाए। क्योंकि सर्विस भी हो लेकिन एक बार की डिससर्विस 10 बार की सर्विस को समाप्त कर देती है। जैसे रबर द्वारा सब मिट जाता है, वैसे एक बार की डिससर्विस 10 बार की सर्विस के खाते को खत्म कर देती है। और वो समझते रहते हैं कि मैं तो बहुत सर्विस करता हूँ, लेकिन खाता खाली होने के कारण निशानी दिखाई देती है। लेकिन अभिमान के बस बाहर से मियामिट्ठू बन जाते हैं। निशानी क्या होती है? एक तो याद में शक्ति व प्राप्ति का अनुभव नहीं होता, अंदर की संतुष्टता नहीं होगी। हर समय कोई न कोई परिस्थिति व व्यक्ति व प्रकृति का वैभव स्थिति को हलचल में लाने की व खुशी शक्ति खत्म करने के निमित्त बनते रहे। बाहर का दिखावा इतना सुंदर होगा, जो अनेक आत्माएं उन्हें न परखने के कारण सबसे अच्छा खुशमिजाज और पुरुषार्थी समझेंगे, लेकिन अंदर बिल्कुल उलझन में खोखलापन होता है। नाम का खाता, शान का खाता फुल होता है। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसा होता है, लेकिन खजानों का खाता, कौन से खजाने का? ज्ञान के खजाने का खाता, अनुभूतियों का खाता खाली के बराबर होता है, अर्थात नाम मात्र होता है। और निशानी क्या होगी? ऐसी आत्मा स्वयं विघ्नों के बस होने के कारण सेवा के कार्य में विघ्न रूप बन जाती है। न खुद ज्ञान का प्रचार प्रसार विस्तार करेगी और न दूसरों को करने देगी, विघ्नों की दीवार बन के खड़ी हो जाएगी अपनी नाम और शान के कारण। नाम है विघ्न विनाशक, लेकिन बनते हैं विघ्न रूप। ऐसी आत्माओं के ऊपर समय प्रतिसमय का जो बोझ है, वेट बढ़ने के कारण एक प्रकार के मानसिक व्यक्त चिंतन व मानसिक अशांति, ऐसे अनेक रोग पैदा कर लेते। दूसरी बात, वेट होने के कारण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र नहीं हो सकती। हाई जंप तो छोड़ो, लेकिन दौड़ भी नहीं लगा सकते। किसी के ऊपर वजन रखा हो, वजन की गठरी रखी हुई हो, तो तेज नहीं दौड़ सकता, जंप नहीं लगा सकता। हाई जंप तो लगा ही नहीं सकते। प्लान बनावेंगे कि यह करेंगे ऐसा करेंगे, लेकिन सफल नहीं हो सकते। तीसरी गुही बात, ऐसी वेट वाली आत्माएं जो विघ्न रूप डिससर्विस के निमित्त बनती है, वो बाप को अर्पण किया हुआ अपना तन मन व ईश्वरीय सेवार्थ मिला हुआ धन, अपना तन मन वो तो व्यस्त करती है, लेकिन दूसरों से जो ईश्वरीय सेवा अर्थ मिला हुआ धन होता है, वो अपने विघ्नों के कारण व्यस्त करती है, अर्थात सफलता नहीं पाती। उनके व्यस्त करने का भी बोझ चढ़ जाता है। इसलिए पापों की गहन गति को अच्छी रीति जानो। अभी क्या करना है? व्यस्त मत करो और वेट कम करो। धर्मराजपुरी में जाने के पहले अपना धर्मराज बनो।